हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बीएचयू पैट साला नेहा दिस साइड। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा था तो सभी बच्चे काफ़ी डाउट में हैं, क्या ये जो एफिलिएट कॉलेजेस हैं उनका अलग होगा, मेन कैंपस का अलग होगा। तो देखिए, मैं आपका क्लियर कर दूँ, आपको रजिस्ट्रेशन केवल मेन कैंपस की साइट पर ही करनी थी। वहाँ पर आपने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है, अब रजिस्ट्रेशन तो क्लोज भी हो गई है, 15 अक्टूबर लास्ट डेट थी। उसके बाद अभी आपका करेक्शन विंडो ओपन है, 17-18 आज और कल हो रहा था, और आज अभी आपका जो है करेक्शन हो रहा है और आपकी फ़ी भी सबमिट की जा रही है। जिन बच्चों की फ़ीस सबमिट नहीं हो पाई थी 15 अक्टूबर तक, ओके। तो देखिए, जिनका रजिस्ट्रेशन मेन कैंपस पर हुआ है वही बच्चे एफिलिएट कॉलेजेस में भी एडमिशन ले सकते, क्योंकि मेन कैंपस से आपका डाटा एफिलिएट कॉलेजेस में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, वहाँ भेज दिया जाएगा, और तब आप एफिलिएट कॉलेजेस में एडमिशन ले पाओगे। तो रजिस्ट्रेशन आपको एफिलिएट कॉलेजेस पर अलग नहीं करनी है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन आपको केवल मेन कैंपस की साइट पर ही करना था, लेकिन अब जब कट ऑफ आएगी तो देखिए, मेन कैंपस की कट ऑफ मेन कैंपस के लिए अलग रिलीज होगी और एफिलिएट कॉलेजेस की कट ऑफ अलग एफिलिएट कॉलेजेस की साइट पर रिलीज होगी। और जब आप काउंसलिंग कराओगे तो काउंसलिंग मेन कैंपस में जिनको कराना है, जिनकी कट ऑफ यहाँ के अकॉर्डिंग सही है, तो वो मेन कैंपस की साइट पर कराएंगे, और जिन बच्चों का एफिलिएट कॉलेजेस के अकॉर्डिंग मार्क्स जा रहा है, कट ऑफ जा रहा है, वो बच्चे एफिलिएट कॉलेजेस की पर्टिकुलर साइट पर जाकर अपना काउंसलिंग करेंगे। इस सीएमपी डिग्री कॉलेज आपका एफिलिएट कॉलेज है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, तो सीएमपी डिग्री कॉलेज की साइट पर आप जाएंगे और वहाँ जाके अपनी काउंसलिंग करेंगे। एडीसी इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, ये भी एफिलिएट कॉलेज है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, तो आप एडीसी की साइट पर प्रॉपर जाएंगे और वहाँ पर अपनी काउंसलिंग करेंगे। तो जो काउंसलिंग करनी है ये पर्टिकुलर एफिलिएट कॉलेजेस की, एफिलिएट कॉलेज की साइट पर जाकर करनी है, ओके। और रजिस्ट्रेशन आपको क्लियर कर देती हूँ, बस मेन कैंपस का साइट पर ही करना था, ओके। होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अभी कोई डाउट है कमेंट कर सकती हो, ओके। ऑल द बेस्ट।